हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू अन एकेडमी सीए फाउंडेशन यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। एंड मेरे साथ जो है यहाँ पे पूरी की पूरी टीम हमारी अभी यहाँ पे बैठी है सीए फाउंडेशन चैनल की। हमारे साथ है यहाँ पे सीए प्रणव पोपट सर, जो पढ़ाते हैं पेपर नंबर 3 मैथमेटिक्स स्टेटिस्टिक्स एंड LR। देन सीए आदर जोशी सर है, जो पेपर नंबर 2 पढ़ाते हैं बिजनेस लॉज एंड BCR। एंड हमारे साथ है सीएस दर्शन जैन सर, जो पढ़ाते हैं पेपर नंबर 1 अकाउंटिंग। एंड मैं आपको पढ़ाता हूँ इकोनॉमिक्स BC के। हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही ज्यादा जबरदस्त अनाउंसमेंट, राइट। मैं पहले थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। प्रणव सर, मुझे बताइए कि अब स्टूडेंट्स का ना प्रिपरेशन हो गया होगा अभी सब्जेक्ट्स का, मतलब मेजर प्रिपरेशन तो हो गया होगा, और अभी सर ऐसा एक समय आ चुका है कि बच्चों के मन में डाउट होगा कि सर हमने जो पढ़ा है वो हमें उतने अच्छे से आता है या नहीं आता है। कॉन्फिडेंस, कुछ बच्चों को कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में दिक्कत होती है, तो उन स्टूडेंट्स को अभी क्या करना चाहिए आपके हिसाब से, क्या लगता है बताइए सर। यस सर, प्रिपरेशन और परफॉर्मेंस दो फेज होते हैं एग्जाम के। प्रिपरेशन फेज का मैक्सिमम टाइम अब हो चुका है, अब परफॉर्म करने के लिए ना एग्जाम का तुमको एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि अब तुमको सब आता है लेकिन क्या तुम वहां पर जाके कर पाओगे या नहीं ये कैसे पता चलेगा। उसकी प्रैक्टिस कैसे करोगे? बाय गिविंग द पेपर्स, बाय गिविंग द टेस्ट। तो अब दैट इज द रियल नीड ऑफ द स्टूडेंट्स इन लास्ट फ्यू डेज, ये मुझे लगता है। यस सो चलिए प्रणव सर ने जो कहा है उनकी बात मानते हो, और अब हम चारों आपके लेके आ रहे हैं गेम चेंजर टेस्ट सीरीज फॉर सीए फाउंडेशन। ये सारे स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल फ्री रहने वाली है। इसमें जो है मैं एंड प्रणव सर, चूंकि हम दोनों का सब्जेक्ट MCQ सब्जेक्ट है, तो हम जो है स्पेशल क्लासेस में आपके लिए टेस्ट कंडक्ट करेंगे। चैप्टर वाइज टेस्ट रहेगी, अराउंड आप समझिए 30-40 मार्क्स का टेस्ट रहेगा एक अप्रॉक्सीमेटली। और चैप्टर वाइज जब टेस्ट होगी तो आप चैप्टर को रिवाइज भी कर पाएंगे, और फिर तुरंत जब आप टेस्ट देंगे तो आपको पता चलेगा कि अब और कहाँ पे आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अब बात आती है पेपर नंबर 1 एंड पेपर 2 की, अकाउंट्स एंड लॉ की। तो मैं पहले दर्शन सर के पास जाना चाहूंगा कि सर अकाउंट्स का जो सब्जेक्ट है उसमें तो MCQ से काम चलेगा नहीं, तो सर आप किस प्रकार से टेस्ट कंडक्ट करने वाले हैं, प्लीज हमारे स्टूडेंट्स को बताइए। यस यस, बिल्कुल एग्री करूंगा। प्रणव सर ने जो एक बात बोली काफी बढ़िया बात है कि प्रिपरेशन एक चीज हो गई और परफॉर्मेंस एक चीज हो गया, एंड सबसे ज्यादा जो चीज की जरूरत होगी अभी वो है स्टूडेंट्स के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की। और कॉन्फिडेंस बिल्टअप करने का सबसे बेहतरीन तरीका है टेस्ट योरसेल्फ, अपने आप को चुनौतियों के सामने लेकर जाओ और देखो कि आप कितना परफॉर्म कर पा रहे हो, एंड टेस्ट सीरीज इज गोइंग टू बी द बेस्ट पार्ट ऑफ इट। अब लगभग हमारा जो मिनी मैराथन का शेड्यूल है वो हम अनाउंस करते हैं ऑलमोस्ट सेकेंड वीक ऑफ जून में, तो 1 जून से लेकर 11 जून तक टेस्ट सीरीज पेपर 1 के लिए मैं लेकर आ रहा हूँ, जहां पर मैं अर्ली मॉर्निंग पेपर ड्राइव में अपलोड कर दूंगा। स्टूडेंट्स को अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अपियर करना है, और उस टेस्ट पेपर का डिस्कशन हम उसी दिन रात में कंडक्ट करेंगे फ्रॉम 9 to 9:45। मतलब स्टूडेंट्स को टाइम बाउंड मैनर में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एक हर एक टेस्ट हमारा लगभग 30 मार्क्स का होगा, जिसके लिए 1 घंटे का समय स्टूडेंट्स को दिया जाएगा। तो बहुत सी मिस्टेक्स जो स्टूडेंट मेन एग्जाम में करने वाला है वो पहले ही कर लेगा अभी टेस्ट सीरीज के दौरान, और अपने आप को टेस्ट करेगा कि वो कहाँ मिस्टेक कर पा रहा है। एक जो एग्जाम प्रेशर होता है, एक जो एग्जाम एनवायरनमेंट होता है, उसमें अपने आप को टेस्ट करेगा। तो आपने भी बहुत जबरदस्त बात कही कि इट्स गोइंग टू बी अ गेम चेंजर सीरीज, ये बहुत हेल्पफुल रहेगी सारे स्टूडेंट्स के लिए। फिर से एक बार बता दूं, अर्ली मॉर्निंग पेपर अपलोड हो जाएगा, स्टूडेंट अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उसको सॉल्व करता है, और रात में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। यस एंड गाइज, पेपर नंबर 2 की बात करें लॉ एंड BCR, तो हमारे जो यहाँ पे लॉ के हमारे जो बादशाह बैठे हैं सी आदर जोशी सर जो है, जनरली वो आपको बताएंगे कि सर स्टूडेंट्स को ना लॉ में ही बहुत दिक्कत होती है आंसर्स कैसे लिखे। आप चूंकि आप जो है राइटिंग प्रैक्टिस भी काफ़ी लेते हैं, हमारे बाकी जो एजुकेटर्स है बाहुबली टीम के, वो सब भी काफ़ी राइटिंग प्रैक्टिस सेशन करवाते हैं, लेकिन फिर भी सर टेस्ट की क्या अहमियत है आप अगर बता सके, एंड आप कैसे कंडक्ट करेंगे टेस्ट, प्लीज बताइए सर। यस, तो सर हम लोग हमेशा ना बच्चों को बोलते हैं कि SWOT एनालिसिस करो, स्ट्रेंथ देखो, वीकनेसेस देखो। अनफॉर्चुनेटली मैंने नोटिस किया है जितने भी हम लोग राइटिंग प्रैक्टिस सेशंस कर रहे हैं उसमें बच्चों के तरफ से इनपुट थोड़ा कम आता है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना जो टीचर्स को ब्लाइंडली सिर्फ कॉपी कर रहे होते हैं, और आप सभी लोग मानेंगे कि ये चीज एक्चुअली आपको कोई वैल्यू एडिशन नहीं देगी, बिकॉज यू आर जस्ट सिंपली कॉपिंग एवरीथिंग आउट फ्रॉम द वट एवर इज देयर ऑन द बोर्ड, आप उसको कॉपी कर रहे हैं। उसमें ना एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं हो रहा है, आप खुद नहीं सोच रहे हो कि इस केस पे मैं कौन सा सेक्शन लगाऊं। तो सर मैंने अभी बहुत अच्छा, जैसे कि आप सभी लोगों ने भी इसमें पॉइंट आउट किया है, मैंने भी यही सोचा है
एक दिन पहले मैं आपको पेपर देने वाला हूँ, टेस्ट पेपर, चैप्टर वाइज होगा। आप लोग अभी से रिवीजन, हम लोगों ने सारे वन शॉट रिवीजन कर रखे हुए हैं, और भी कुछ अच्छी चीजें यहाँ पर आने वाली है, आप लोगों को अनाउंसमेंट दिखेंगे। आप क्या करेंगे, एक दिन पहले पेपर लेंगे, अपने कन्वीनियंस को सॉल्व करेंगे पूरा इंडिपेंडेंटली, किसी टीचर, कोई हैंड होल्डिंग नहीं, पूरा अपने आप से जितना आता है। उससे सर दो चीजें होगी, पहला आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा जैसे सब लोगों ने कहा, और दूसरा एक स्वॉट एनालिसिस होगा, आपको पता चलेगा आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है और आपकी वीकनेसेस क्या है, और सर अभी काफी टाइम है अपने वीकनेसेस को सुधारने का। नेक्स्ट डे हम लोग क्या करेंगे, उन्हीं उसी पेपर पे डिस्कशन करेंगे, और जो कॉमन मिस्टेक्स बच्चे करते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, और बेहतर ही आंसर कैसे हो सकता है। हमें क्या होता है ना, लगता है कि अरे बहुत अमेजिंग पेपर गया है, बच्चे हॉल से बड़े खुश निकलते हैं, अनफॉर्चुनेटली रिजल्ट्स के दिन वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि यार लिखा इतना अच्छे से लिखा, मार्क्स क्यों नहीं आए। बहुत छोटे छोटे प्रोविजन है, एक्सेप्शन है, पॉइंट्स है जो हम छोड़ देते हैं, उन सभी पॉइंट्स को हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे ताकि आप एग्जाम में वो मिस्टेक ना करें। सच में ये गेम चेंजर है। ओवर टू यू मनीष सर। सर एक मैं आपको बता दूं कि जनरली स्टूडेंट्स सर मुझे कभी पूछते हैं कि सर जैसे लॉ हो गया, अकाउंट्स हो गया, सर कि कैसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, मतलब राइटिंग प्रैक्टिस करूं, बोलते हैं सर हमें आंसर को देख देख के लिखा लिखना है या विदाउट देखे लिखना है ना, तो ये एक बेसिक सी चीज़ पूछते हैं। तो यार राइट प्रैक्टिस तो तभी होंगे ना जब आप बगैर देखे लिखे, है ना। और टेस्ट में जैसे सर ने आपको बताया कि जब आप टेस्ट देंगे आपके सामने ब्लैंक पेज होगा, वही आपको रियल आपका टेस्ट होगा कि आप रिकॉल कर पा रहे हैं या नहीं कॉन्सेप्ट को, क्योंकि एग्जाम में भी ये होने वाला है। एंड और एक लास्ट चीज़ मैं आप सबको बताना चाहता हूँ जो हमारे स्टूडेंट्स है, कि हमें ना हमेशा ऐसा लगता है कि सर थोड़ा सा ना प्रिपरेशन रह गया है, मैं और एक रिवीजन लेक्चर देख लेता हूँ ना, फिर टेस्ट दूंगा, फिर टेस्ट दूंगा, अब वो टाइम बचा ही नहीं है। आपको कभी भी ऐसा लगने ही नहीं वाला है कि हमारा पूरा प्रिपरेशन हो चुका है। तो इसलिए जब हमने जो शेड्यूल हम आपके साथ शेयर करेंगे अभी, उस शेड्यूल के हिसाब से जब जो टेस्ट है ना, आप बस वो टेस्ट दे दीजिए, भले ही आपसे गलती हो, भले ही आपको एक भी क्वेश्चन ना जमे, लेकिन टेस्ट दीजिए। जब वो देंगे धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस और बिल्टअप होगा। अब ये जो हमारा गेम चेंजर टेस्ट सीरीज है, इसका जो शेड्यूल है वो हम हमारे इस यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी टैब पे पोस्ट करने वाले हैं। तो कल सुबह तक जो हमारा शेड्यूल है, जो बाकी डिटेल्स है, वो कम्युनिटी पोस्ट पे आने वाले हैं। तो इसलिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, एंड जो अपडेट्स रहेंगे उसके लिए आप स्टे ट्यून रहिए। और बाकी हमारे रिविजन क्लासेस तो काफ़ी चल ही रहे हैं हमारे सारे एजुकेटर्स के, वो आप देखिए ज़रूर। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना जरूरी है, अपने सारे दोस्तों को इस यूट्यूब वीडियो की लिंक शेयर कर देना। टेस्ट सीरीज आ रही है पूरे सेफ फाउंडेशन की, चैप्टर वाइज करवाएंगे, जबरदस्त तरीके से आपका प्रिपरेशन हो जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, क्योंकि हम हमारे पेरेंट्स के बिना कुछ भी नहीं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं हम बहुत जल्दी टेस्ट के साथ। तो 2 जून से 11 जून रहने वाला है, सारे डिटेल्स कम्युनिटी टैब पर आ जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।